नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए सबसे पहले, सबसे तेज हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 वर्षीय खुशी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मंडावली निवासी चेतराम अपनी नई इको कार लेकर गाँव के पास की सड़क से गुजर रहा था। जैसे ही कार गावंडी की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंची, ड्राइवर का कार से नियंत्रण हट गया और वह सड़क किनारे खड़े विकास, मंदीप और खुशी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। खुशी नया गांव की निवासी थी, वह अपने मौसा के घर मंडावली आई हुई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान खुशी की मौत हो गई, जबकि विकास और मंदीप की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा ये गाड़ी 3 दिन पहले ही खरीदी गई थी। मंडावली थाना प्रभारी ने बताया हादसे में घायल खुशी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार चालक की तलाश जारी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। Oh, my God.